तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति एक पुलिस कांस्टेबल है जो जंग ऐलान कर रहा है, वो भी किसके खिलाफ? किसी बदमाश या माफिया के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम नीरज जोशी है और ये गुना के एक थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। शुक्रवार को इस व्यक्ति की ड्यूटी गुना कलेक्ट्रेट में ईवीएम की सुरक्षा में लगी थी, लेकिन वहां से ये कांस्टेबल सरकारी राइफल और 15 कारतूस लेकर फरार हो गया। पहले आप वीडियो देखिए। मैं आज तारीख तक एक सिपाही था, लेकिन आज से खुद को बागी घोषित करता हूँ। मुझे बागी बनाने में मेरे पुलिस वालों का ही मेन रोल रहा है, जिसमें आईजी राजा बाबू सिंह, सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर राम शर्मा मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए गए। 354 हरिजन एक्ट, 307, 354 हरिजन एक्ट, एक जिला बदर आरोपी की दूसरी पत्नी ने मुझ पर झूठी कायमी कराई, 307 किसी ने गोली चलाई, मेरे हाथ से गोली चलाना दिखाया राम शर्मा ने, मेरे ऊपर विभागीय जांच की गई एक चरित्र महिला को जिसको पूरा शहर जानता है कि धंधा करती है, उसकी शिकायत पे मेरे इंक्रीमेंट डाउन किया गया। उसके बाद फिर मेरे कुछ आईजी राजा बाबू सिंह ने सेवा से पृथक का नोटिस दे दिया, 2,00,000 रुपये लिए इसने मुझसे आईजी राजा बाबू सिंह ने। लगातार मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम होते गए, डी होती गई, सब में मुझे सजा दी गई, मुझे आर्थिक हानि दी गई, मुझे पुलिस की तरफ से पूरा परेशान किया गया। पुलिस के जो कुछ चुनिंदा चोर हैं उनके द्वारा आत्माराम पारदी रामवीर ने मारा था, मोहब्बत सिंह रघुवंशी इसके चक्कर में फांसी लगा के मर गए थे, फिर भी इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके साथ के केस पार्टनर की वीडियो मेरे साथ वायरल हुई थी, उसमें वो क्लियर हत्या स्वीकार कर रहा है, सब कर रहा है, फिर भी उसको नहीं उठाया जा रहा। इसका सह आरोपी रघु 15,000 का इनामी रुठियाई चौकी के आसपास घूमता रहता है, उसको कभी पकड़ा नहीं गया। राम शर्मा ने फायर किसी ने करा, मेरे हाथ से फायर दिखाया इसने। एक दलाल इनका एसपी ऑफिस में बैठा है, एएसआई मसी खान, मोबाइल पकड़ता है 61-50, इनके आरोपी दो इसने कभी पकड़े नहीं, पकड़ता क्यों नहीं है, इनके सब दलाली कर रहे हैं, इसने दलाल लगा रखे हैं अपने 3-4 साथ में, वो इसकी दलाली करते हैं। बस इतना ही है, बाकी अपने आप को मैं बागी घोषित करता हूं, मेरे सामने कोई ना आए मैं उस पे गोली चला दूंगा। वहीं हमारे संवाददाता ने मामले में गुना के एसपी राजेश कुमार सिंह से बात की। एसपी साहब कह रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक होगी इसका पता नहीं है। आरक्षक 41 नीरज जोशी है, जो पुलिस लाइन में पदस्थ था लगभग 1 साल से, और इसकी ड्यूटी जो है ईवीएम गार्ड में थी कलेक्ट्रेट में। आज सुबह जो है इसके साथियों ने रिपोर्ट किया है कि जो है ये राइफल और कारतूस के साथ जो है ये भी गायब है, जिसकी रोजामचा रिपोर्ट पुलिस लाइन में दर्ज की गई है, और संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए माइक 2 को एडिशनल ट्रिब्यूनल को निर्देशित किया गया है। वो जांच करेंगे, इसमें जिसकी लापरवाही होगी और जो भी गलती किया होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। सर, वायरल वीडियो में सर एडीजी से लेकर और भी पुलिसकर्मियों के नाम लिए गए हैं। अब वो वीडियो में तो जो बोल रहा है वो कितना सच है कितना झूठ है उसका अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगर उसको कोई ऐसा ग्रीवांस है, ऐसी कोई पीड़ा है, ऐसा कोई तकलीफ है, तो एक शासकीय कर्मचारी होने नाते एक अपना सिस्टम बना हुआ है ग्रीवांस रिड्रेसल का, तो उसके हिसाब से तो जाना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ा है। सर, ओवरऑल बैकग्राउंड क्या रहा है इस आरक्षक का? इसको जो है पिछले कुछ सालों में जो है 3 बड़ी सजाएं मिली हैं, रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो नहीं है, कोई जो है बड़ी छोटी मिला के 23 सजाएं हैं, 2007 का भर्ती है ये, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है इसका। अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी इसमें तो सबसे पहले ये है कि राइफल उसको तलाश करके राइफल राउंड हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और बाकी जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जाँच करेंगे, और उसमें जो दोषी जो भी होंगे इसको अन्य लोगों को भी कार्रवाई की जाएगी। आपने कभी इस तरह से किसी पुलिसकर्मी को पुलिस के खिलाफ ही सोशल मीडिया पर ऐलाने जंग करते हुए नहीं देखा होगा, पर आज ये भी देख लीजिए। बताया गया है कि बागी पुलिस कांस्टेबल जैसा वीडियो में दिख रहा है उसका जिम्मेदार भी वो पुलिस को ही बता रहा है। उसकी माने तो 2,00,000 रुपए रिश्वत की मांग आईजी राजा बाबू सिंह द्वारा की गई थी और गलत मुकदमे में फंसा कर बर्खास्त करने की बात कही गई थी, जिसके बाद परेशान होकर ऐसा करना पड़ा। बहरहाल जांच जारी है और मामले का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।